Okay, good morning students. I hope you are able to hear my voice. Please respond. आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है? ओके नाउ फर्स्ट आई एम शोइंग यू ऑन स्क्रीन द सिलेबस ऑफ द पेपर विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन योर फोर्थ सेमेस्टर द सेकेंड पेपर नेम्ड MNS 402 एडवांस डायरेटिक्स सो इन दिस पेपर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायटरी मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस द डाइट प्लानिंग न्यूट्रिशनल एंड डायटरी मैनेजमेंट and in unit this syllabus is divided into unit five units and in the first unit you will be studying the pathophysiology clinical and metabolism aspects of PEM anemia diet and infection and fever causes fever key causes types and dietary considerations so today I will be starting first topic that is anemia Now I'm starting. फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट वन अनिमिया आप लोग सब अनिमिया से वाकिफ होंगे अनिमिया से फेमिलियर हैं अनिमिया के पता है कि वॉट इज अनिमिया अनिमिया जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड पब्लिक हेल्थ कंसर्न है एंड इट इज ऑल्सो एन इंक्रीज बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी स्पेशली इन प्रेगनेंट एंड प्रेगनेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रेन तो एक अनीमिया बहुत ही कॉमन कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी का प्रेग्नेंट वुमेन में और यंग चिल्ड्रन में ठीक है तो फर्स्ट वी डिस्कस डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन जो है उसकी वो है इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ ब्लड गोज डाउन बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ एज सेक्स और एंड ऑफ एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो नॉर्मल डेफिनेशन एक सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो हीमोग्लोबिन लेवल जब नॉर्मल रेंज से बिलो हो जाता है तो द पर्सन इज सेट टू बी एनेमिक और द पर्सन इज सेट टू बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया सेकंड इसकी डेफिनेशन कह दे तो इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन विद द आरबीसी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज बिकॉज यू ऑल नो दैट हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी एंड देयरफॉर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC is reduced because there is low hemoglobin present. Third definition is it is a pathological condition with the RBC count or hemoglobin concentration or both goes down. So these were the definitions. अब बात करते हैं hemoglobin level की. So in this slide you can see normal hemoglobin level according to the age group starting from newborn up to the middle aged females. And this hemoglobin level is given in grams per deciliter so yani ki sabse zyada jo hemoglobin level hai that is of newborn and is around 1722 grams per dl so as the age advances the level of hemoglobin the normal level of hemoglobin decreases jo normal ek threshold hai jo normal value hai ki ye ek particular level hai hemoglobin level ka is age group mein तो इन्फेंट्स में जो है जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है और जो एडल्ट मेल और फीमेल के कंपैरिजन में नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ अनीमिया तो अनीमिया जो बेसिकली अगर बात करें तो अनीमिया जो है उसको क्लासिफाई किया गया है फोर टाइप्स में फर्स्ट इज एप्लास्टिक अनीमिया सेकेंड इज माइक्रोसिटिक अनीमिया थर्ड इज हाइपोक्रोमिक अनीमिया एंड थर्ड इज फोर्थ वन इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया अगर हम बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया की तो एप्लास्टिक एनीमिया इज कंप्लीट फेलियर ऑफ बोन मैरो इन प्रोड्यूसिंग द आरबीसी क्योंकि आरबीसी कहां पे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में
और जब हमारा बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो उसको कहते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया। सेकेंड टाइप ऑफ अनीमिया इज माइक्रोसेटिक अनीमिया। सो व्हाट हैपेंस इन माइक्रोसेटिक अनीमिया? इन माइक्रोसेटिक अनीमिया इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल आरबीसी, क्योंकि वर्ड आ गया है माइक्रो विच मीन्स स्मॉल एंड सेटिक विच मीन्स सेल। तो जब आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज माइक्रोसेटिक अनीमिया, और ये सेल्स होते हैं इनको कहते हैं माइक्रोसाइट्स। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माइक्रोसेटिक अनीमिया। नेक्स्ट थर्ड वन इज हाइपोक्रोमिक अनीमिया। तो हाइपोक्रोमिक अनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेलर देन नॉर्मल आरबीसीज। जो आरबीसीज हैं वो पेल हो जाते हैं एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड हाइपो एंड क्रोमिक। हाइपो मीन्स लेस एंड क्रोमिक मीन्स कलर। तो जो आरबीसीज का जो नॉर्मल कलर है वो नॉर्मल कलर से कम हो जाता है। एंड नॉर्मल आरबीसी इज अ बायोकॉनकेव शेप में होता है। और इन हाइपोक्रोमिक सेल्स द एरिया ऑफ द सेंट्रल पैलर इज इंक्रीज। और क्या होता है उसकी वजह से देयर इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो पेल इन कलर हो जाते हैं। दे आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड दे आर पेल इन कलर। और इसका जो कॉमन कॉज है वो है आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया। नाउ फोर्थ वन इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो डिफेक्ट इन रेड सेल डीएनए एंड इट इज कॉज्ड बाय देयर इज डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बिकॉज there is deficiency of vitamin B12 or folic acid. There is deficiency of vitamin B12 or folic acid. Vitamin B12 or folic acid क्यों जरूरी है? They are necessary for synthesis of DNA. And the deficiency causes characteristic changes in the nuclear morphology and the tissues with the highest rate of cells multiplication are affected. And this condition is increased in several rates in pregnancy, lactation, infancy, adolescence. These are so there. This was about the classification of anemia. And in this slide, you can see the size of RBCs. The in between, you can see normochromic. That is, normo means normal and chromo means color. So this is the normal color of RBCs. This is hypochromic. यहाँ पे बात की थी hypochromic की। hypo means less and chroma means color. So in this hypochromic, hypo means less, मतलब जो color है normal color है उससे less color हो जाएगा RBCs का। And in hyperchromic, the color is more than the normal color. There is dark in the color of RBC is dark in appearance. So this was these are the three microscopic structures of RBCs. नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर अनीमिया हो जाएगा तो फिर उसके क्या बैड इफेक्ट्स होंगे? फर्स्ट इज इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। ये जो है हर एज ग्रुप में हो सकता है। कॉग्निटिव दैट इज कॉग्निटिव परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी। सेकेंड इज रिडक्शन इन वर्क कैपेसिटी। क्या होता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फिजिकल वर्क कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जो कैपेसिटी है वर्क करने की, काम करने की, वो रिड्यूस हो जाएगी। पर्सन जो है बहुत जल्दी अपने आप को लेथार्जिक फील करने लगेगा। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी। व्हाट इज मॉर्बिडिटी? मॉर्बिडिटी मींस डेथ ड्यू टू इंफेक्शंस। तो जब एनीमिया होगा तो उसकी वजह से जो है इंफेक्शंस कैच करेंगे एंड देयर इज इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी फ्रॉम द इंफेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट देयर इज ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो दो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और एनेमिक हैं, सो दे आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पेरिनेटल पीरियड। नेक्स्ट इज नेगेटिव फीटल आउटकम। नेगेटिव फीटल आउटकम क्या होगा?
कि जो फीटस है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, देर इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, देर इज लो बर्थ वेट, देर कैन बी प्रीमेच्योर इन्फेंट्स ऑल्सो. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज विच एनीबडी कैन फेस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अनिमिया. नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड सिम्टम्स ऑफ अनिमिया. कैसे पहचानेंगे कि अनिमिया है किसी को? तो बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स बात करेंगे तो पर्सन को टायर्डनेस फील होगी, देर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, देन देर पर्सन विल बी लिथार्जिक. ये तो दिस स्लाइड इज शोइंग द डिफरेंट सिम्टम्स विच अकर इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पर्सन जो है लिथार्जिक होगा, पर्सन को हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, देन नर्वसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पुअर कंसेंट्रेशन, वीक मेमोरी, देन स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स. द पर्सन कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम एंजाइना एंड टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया का मतलब है देर इज रेगुलर हार्ट बीट. देन ग्लॉसाइटिस हो सकता है, ग्लॉसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग. देन कोरिनोकिया ऑफ नेल्स, मीन्स जो नेल्स होंगे वो स्पून शेप्ड हो जाएंगे. देन पाइका, पाइका मीन्स द पर्सन इज habitual of eating mud or chalk or etc. And there can also be hypotension, that is the person ka jo blood pressure hai wo normal level se kam hoga. Aur ye sare symptoms jo hai wo you can see these symptoms in the different organs. There is fatigue, dizziness, fainting, low BP, palpitation, rapid heart rate, chest pain, angina, heart attack, enlargement of spleen. And there is paleness of skin, coldness, yellowing, yellowing of eyes, muscular weakness, respiratory may shortness of breath. All these are symptoms which can show that a person is suffering from anemia. Now, अब बात करते हैं causes की कि anemia होता क्यों है. तो पहला cause है insufficient production of RBC. Insufficient production of RBC. यानी कि अगर क्योंकि आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए हमारे जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है. और जब आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑब्वियसली लो हो जाएगा. देन उसकी वजह से द पर्सन का हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा, पर्सन जो है वो एनेमिक हो जाएगा. नेक्स्ट इज डायट्री डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंट डायट्री इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स. आप लोग जरा अपना वीडियो ऑन करो, आई वांट टू सी कि आप लोग कितने लोग प्रेजेंट हो. स्टार्ट योर वीडियो. युक्त नोट डाउन, दोज आर प्रेजेंट फिजिकली. स्टार्ट आरती, तन्वी, युक्ता. जो बच्चे से फिजिकली प्रेजेंट हैं क्लास में उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी, सिर्फ जूम से ज्वाइन कर लेने से अटेंडेंस सही मानी जाएगी. ओके okay.
वीडियो अपना आप क्लोज कर लीजिए. नाउ मैं आई एम गोइंग टू रिज्यूम द क्लास. Now, I was talking about the second cause, that is deficient diet intake of iron, vitamin B12 and folic acid. क्या होता है कि जब डाइट में आयरन का, विटामिन बी ट्वेल्व का और फॉलिक एसिड का, इनका इंटेक कम हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज. और ये क्यों हो सकता है? Because of poverty, because of starvation, because of financial condition, जो है जो person का dietary intake iron rich foods का या उसका वो consumption low होता है. Next, या फिर जो है क्या हो सकता है कि cancer है या chronic illness है या allergic reactions है, उसकी वजह से भी, या कोई medications ऐसे ले रहे हैं जिसकी वजह से hemoglobin का level जो है वो low होगा, या जो absorption है iron का वो proper नहीं होगा. Next cause is increased destruction of RBCs. Increased destruction of RBCs किसमें होता है? Because of variety of reasons, like malaria में होता है, ठीक है? RH incompatibility in a pregnant mother. जब mother की incompatibility होती है, the mother is RH negative and she is holding the fetus of RH positive. तो इन RH incompatibility हो सकती है, तो उस समय भी RBCs का destruction जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ब्लड. ब्लड का लॉस कब होता है? मेंस्ट्रुएशन में, या किसी को गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, या इंटेस्टाइनल कैंसर है, या हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी ब्लड लॉस बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज आयरन विटामिन बी फॉलिक एसिड डिफिशियंसीज. आयरन विटामिन बी ट्वेल्व फॉलिक एसिड डिफिशियंसी. विटामिन बी, इट इज नॉट विटामिन बी, इट इज विटामिन बी ट्वेल्व. आयरन विटामिन बी ट्वेल्व फॉलिक एसिड डेफिशियंसीज कब हो सकती हैं? जब उनका डाइट्री इनटेक कम होगा. नेक्स्ट इज हाइपोथायरोडिज्म. हाइपोथायरोडिज्म की कंडीशन में भी द पर्सन कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम एनीमिया. नेक्स्ट इज मेडिकेशंस. द लास्ट कॉज इज मेडिकेशंस. मेडिकेशंस कब जो है क्या करते हैं कि दे प्रिवेंट द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट. कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं. दे कॉज क्रॉनिक और माइल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द गट. एंड इसमें एस्प्रिन का एक नाम आया है. एस्प्रिन एक ड्रग है विच कैन कॉज माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग इन द गट. नेक्स्ट कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन्स. ये भी फॉलिक एसिड डेफिशियंसीज को कॉज करते हैं. और विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसीज जो ड्रग्स कॉज करती हैं उनके नाम है एमोक्सिसिलिन एंड फिनोटोइन. ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये भी विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशियंसी को कॉज करते हैं. सो कुछ मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से विटामिन बी ट्वेल्व या फॉलिक एसिड की डेफिशियंसी हो जाती है और पर्सन जो है वो द पर्सन कैन सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एनीमिया. अब बात करते हैं सबसे पहले द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया. आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है, दैट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एनीमिया ग्लोबली एंड इट इज This is the common type of anemia globally and it is caused due to the deficiency of iron in the body. And our body needs iron to make hemoglobin, which is an integral part of RBCs. Or jo most affected population hai jo iron deficiency anemia se affected hai, wo hai women of childbearing age, women of reproductive age. Ye anemia inko ho sakta hai because of heavy menstruation or pregnancy. Uske alawa infants, चिल्ड्रेन, ये सारे जो हैं वो आयरन डिफिशियंसी से सफर कर सकते हैं. कंजम्पशन ऑफ पुअर डाइट ड्यू टू फाइनेंशियल और अदर रीजन एज वेल एज सर्टेन इंटेस्टाइनल डिजीजेस अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन में आल्सो कॉज एनीमिया. सो एक ये सारे जो कॉज थे बिकॉज ऑफ लेस डाइट्री इनटेक, उसके अलावा आयरन जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर बॉडी में, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है. आयरन कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है? आयरन जो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है. और आयरन जो है वो डाइट्री आयरन टू फॉर्म्स का होता है, हीम एंड नॉन हीम आयरन. हीम आयरन इज डायरेक्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन और एनिमल फूड्स में प्रेजेंट होता है, और लाइक फिश, पोल्ट्री एंड द बॉडी अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द आयरन फ्रॉम हीम सोर्सेज. नॉन हीम आयरन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज
और इसके गुड सोर्सेज है लेंटिल्स, बीन्स, स्पिनच, आयरन एनरिच्ड एंड आयरन फोर्टिफाइड फूड्स. तो ह्यूमन सिस्टम जो है वो लेस एफिशिएंट है नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करने इन कंपैरिजन टू द हीम आयरन. अब कॉजेस की बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेस क्या हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पहला कॉज है डेफिशिएंट आयरन इनटेक. सबसे प्राइमरी कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज और सबसे कॉमन कॉज, तो मोस्ट ऑब्वियस एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज पुअर इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड्स इन द डाइट. द डाइट व्हिच इज पुअर इन आयरन विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ आयरन टू द बॉडी कॉजिंग लोअर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. So if we eat too little iron over an extended period of time, so it can cause shortage of iron in the body. इसीलिए it is very very important to pay special attention to the consumption of foods which are rich in iron. Iron rich foods कौन कौन से हैं? Meat, eggs, green leafy vegetables, they are high in iron. और आयरन जो है वो असेंशियल है रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के फेज में. देयरफॉर आयरन इज आल्सो नीडेड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंगर चिल्ड्रन. सेकंड कॉज है हैवी ब्लड लॉस. या तो डाइट में आयरन कम होगा या फिर हैवी ब्लड लॉस हो. हैवी ब्लड लॉस जो है वो वैरायटी ऑफ रीजन से हो सकता है, लाइक जो वुमेन है चाइल्ड बेयरिंग एज की बिकॉज ऑफ heavy menstrual bleeding and blood loss during the childbirth, excess loss due to hemorrhage, due to any accident, this can cause anemia. Chronic diseases की वजह से भी heavy blood loss हो सकता है. Chronic diseases में कौन सी diseases हैं? Like peptic ulcer, tuberculosis, all this can cause heavy blood loss. इसके अलावा blood loss कब हो सकता है? जब blood donate किया जाए. Excessive blood donation quite frequently the skin also goes heavy blood loss. या फिर hook worm infection हो person में, अगर ये parasitic infection हो जाता है तो उसकी वजह से भी blood का loss हो जाता है. Fourth cause is inability to absorb iron. Certain disorders or surgeries that affect the intestine जिसकी वजह से iron का absorption interfere हो जाता है. और ऐसी कौन सी condition है जिसमें iron का absorption interfere होगा? सेलियाक डिजीज या ट्रॉपिकल स्टूल जिसको कहते हैं, इंटेस्टाइनल सर्जरी, गैस्ट्रिक्टोमी. गैस्ट्रिक्टोमी मतलब जब स्टमक का रिमूवल हो जाता है सर्जरी के द्वारा स्टमक रिमूव कर दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक्टोमी. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द आयरन एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिक्रीज इन एचसीएल सीक्रेशन. देन लैक ऑफ एसिड सीक्रेशन बाय द स्टमक. जब एसिड सीक्रेशन कम होगा तो भी आयरन एब्जॉर्प्शन लो हो जाएगा. क्रॉनिक रीनल डिसऑर्डर्स कॉलिंग फॉर एक्सटेंसिव एंटासिड थेरेपी. Diarrhea, excessive tea consumption, excessive consumption of food which are rich in phytates and phosphates. These are also, जब excessive phytates और phosphates का consumption ज़्यादा होगा, उस समय भी क्या होगा कि iron का जो absorption है वो low हो जाएगा. ये आप देख सकते हो iron deficiency anemia. This slide shows the RBCs in a microscopic structure. RBCs का show कर रहा है. जब नॉर्मल ब्लड है उस समय और जब एनीमिया है तो उस समय. तो इसमें ऑन द राइट हैंड यू कैन सी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल ब्लड. द काउंट ऑफ आरबीसी इज नॉर्मल, देयर शेप इज नॉर्मल, देयर इज नॉर्मोक्रोमिक, द कलर इज नॉर्मल, देयर शेप इज नॉर्मल. वेयर इज इन एनीमिया देयर इज डिस्पर्स आरबीसीज और डिस्पर्स सेल्स, देयर नंबर एज वेल एज द साइज एंड कलर ऑल इज अफेक्टेड. So in iron deficiency anemia, there can be microcytic and hypochromic anemia. Next, we talk about potential complications. So iron deficiency anemia ki potential complications, jo person suffer karta hai, wo hai rapid or irregular heartbeat. Pehla hai ki rapid, jisko rapid or irregular heartbeat, aur isko kehte hain tachycardia. Second is high risk of pregnancy. Then स्लो ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट. जब रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट की बात करेंगे तो अनिमिया में क्या होगा? हार्ट हैज टू पंप मोर ब्लड टू मेक अप फॉर द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस कैन लीड टू इरेगुलर हार्ट बीट. हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी.
क्या होता है उस समय द चाइल्ड मे बी बॉर्न प्रीमेच्योरली या फिर लो बर्थ वेट चाइल्ड बॉर्न होगा एंड मोस्ट मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन टेक द आयरन सप्लीमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रीनेटल केयर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग. सेकेंड लास्ट वन कॉम्प्लिकेशन इज स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हैं जो कि सीवियरली डेफिशियंट है आयरन में दे कैन एक्सपीरियंस डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन बी प्रिवेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय कंज्यूमिंग अ डाइट विच इज रिच इन आयरन, टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, और उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपके स्लाइड में दिख रही हैं. ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज फॉलो करके भी आयरन को जो आयरन की जो डेफिशियंसी है उसको कम किया जा सकता है. इट्स अकरेंस इन इज कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन, देयरफॉर द डॉक्टर्स एडवाइज आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी. जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस समय डॉक्टर्स जो आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो हैं स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो आयरन और फॉलिक एसिड का स्टोर है बॉडी को प्रॉपर बना रहे. सेकेंड इज कंजम्पशन ऑफ एन आयरन रिच डाइट अलॉन्ग विद विटामिन सी यूजिंग आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट्स. कंजम्पशन ऑफ आयरन रिच फूड्स अलॉन्ग विद विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी के साथ जब आयरन देंगे तो आयरन का अब्सॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर होगा. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट्स. कुकिंग इन आयरन पॉट्स एंड पैंस. जो पॉट्स एंड पैंस पुराने जमाने में ये होता था कि जो लोहे के बर्तन थे उसमें खाना बनाया जाता है. इट ऑल्सो हैज अ साइंटिफिक प्रूफ दैट वाइल कुकिंग द फूड इन पॉट्स और पैंस व्हिच आर मेड अप ऑफ आयरन दे इंक्रीज द आयरन कंटेंट ऑफ द फूड व्हिच इज कुक्ड इंटरवेंशन बाय आयरन सप्लीमेंट्स. अगर इंटरवेंशन बाय आयरन टैबलेट्स सप्लीमेंट्स में आयरन टैबलेट्स दी जा सकती हैं टू रिस्टोर द आयरन लेवल्स इन द बॉडी. आयरन टैबलेट्स आर टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक लेंगे तो उसमें बेटर अब्सॉर्प्शन होगा. उसके अलावा आयरन रिच फूड्स जो है वो डाइट में इंक्लूड किए जा सकते हैं. तो जो फूड्स जो कॉमन फूड्स हैं जिसमें आयरन रिच फूड्स हैं, और ज़रूरी ये भी है कि आयरन रिच फूड के साथ द पर्सन शुड कंज्यूम विटामिन सी टू इंक्रीज द अब्सॉर्प्शन. अगर नॉन हीम आयरन ले रहे हैं तो जो फूड्स जो है जिसमें आयरन होता है रिच होता है दैट इज रेड मीट, ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स. द लास्ट स्ट्रेटजी इज ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है उसका जो कॉज है उसको ट्रीट करना, बिकॉज एनीमिया इज ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग. अगर ऊपर के जो इंटरवेंशन दिए हैं अभी जो मेथड्स हैं स्ट्रेटजीज दी हैं अगर वो फुली काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको जो अंडरलाइंग कॉज है ब्लीडिंग का जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है उसको ट्रीट करना है. तो उसमें क्या कर सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स टू विमेन विद हैवी पीरियड्स में भी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ईच मंथ. बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वुमेन को दी जा सकती है जिनमें हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन रिप्लेस आयरन एंड ब्लड लॉस क्विकली. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी एक स्ट्रेटेजी है उसके द्वारा जो है जो आयरन और ब्लड का लॉस हो रहा है बॉडी में वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू रिकोप किया जा सकता है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टू टाइप्स के कैटेगरी में होते हैं, दैट इज फोलेट डेफिशियंसी एंड परनीशियस एनीमिया, ऑल्सो कॉल्ड इज विटामिन B12 डेफिशियंसी. तो कॉमन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड और B12 डेफिशियंसी से होता है. एंड इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ड्यू टू B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशियंसी. तो फर्स्ट टाइप इज फोलेट डेफिशियंसी एनीमिया. फर्स्ट टाइप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज फोलेट डेफिशियंसी एनीमिया. फोलेट डेफिशियंसी एनीमिया इज मोर कॉमन कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देन B12 डेफिशियंसी. जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रही है तो मोर कॉमन कॉज इज बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशियंसी. And this is due to the fact that the body stores of folate are easily depleted. जो body का stores है folate का वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से folic acid deficiency हो सकती. There can also be dietary lack or malabsorption. And
माल एब्जॉर्प्शन जब होगा तो भी डेफिशिएंसी, द पर्सन कैन सफर फ्रॉम की डेफिशिएंसी। पोटेंशियल कॉजेज की बात करें, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, व्हाट आर द कॉजेज द पर्सन कैन सफर फ्रॉम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो पहला कॉज है इसमें इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु कैन नॉट अफोर्ड डाइट व्हिच इज रिच इन मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर प्रोन टू दिस डेफिशिएंसी। तो ये सब फूड के जो सोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन्फेंट्स बॉर्न टू द मदर्स विद फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, जिन मदर्स की फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड बेबी व्हिच इज बॉर्न दे आल्सो सफर फ्रॉम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस आल्सो कॉजेस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, वुमेन टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन गेट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी सिंस द फोलेट एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड। फोलेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफियर कर देते हैं। नेक्स्ट, इट इज प्रेजेंट इन सब्जेक्ट्स विद स्कर्वी ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी विच रिड्यूसेस द कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड टू इट्स एक्टिव फॉर्म फॉलिनिक एसिड। यानी कि जो पर्सन स्कर्वी से, स्कर्वी क्यों होती है, विटामिन सी की डेफिशियंसी से होती है, और जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो उस समय क्या होगा, विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फॉलिक एसिड टू, फॉलिक एसिड को उसके एक्टिव फॉर्म में फॉलिनिक एसिड में कन्वर्ट करता है विटामिन सी, और स्कर्वी में ही विटामिन सी की ही डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से इट इन टर्न इनडायरेक्टली इट कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन द बॉडी। नेक्स्ट, बॉइलिंग और पॉस्चराइजेशन ऑफ काउज मिल्क कैन रिजल्ट इन 75% लॉस ऑफ फोलेट। नेक्स्ट इज एल्कोहल एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स कैन इंटरफियर द फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन डेफिशिएंसी। तो ये कुछ एल्कोहल और ड्रग्स हैं जो कि फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंटरफियर करती। नेक्स्ट, मेनी ऑफ द नेचुरल अकरिंग फोलेट्स आर लिबाइल एंड इजिली डिस्ट्रॉयड बाय प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग। बहुत ज्यादा देर तक अगर कुकिंग करेंगे तो उसमें भी फोलेट्स का लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, लिवर इज अ रिसोर्स ऑफ फोलेट व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन वेजिटेरियन डाइट्स। तो ये एक और फैक्टर है कि लिवर जो है वो फॉलिक एसिड का सोर्स है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनको ये फॉलिक एसिड का सोर्स इस तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्टडीज रिवील दैट हाफ ऑफ द फोलेट प्रेजेंट इन फूड इज रिटेन्ड एंड द रिमाइंडर एक्सक्रीटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज इंजेस्टेड एज मोनो और पॉलीग्लूटामेट एंड दिस कैन मैनिफेस्ट इन टू डेफिशियंसी। अब बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट की। तो डेली रिक्वायरमेंट फॉलिक एसिड की 100 to 200 micrograms है, 100 to 200 micrograms पर डे। अ नॉर्मल मिक्स डाइट कंटेन्स अबाउट 200 to 300 micrograms नेचुरल फोलेट। इट इज 200 to 300 micrograms नेचुरल फोलेट्स एंड बॉडी स्टोर्स आर सफिशियंट फॉर ओनली अबाउट 4 months। जो स्टोरेज अगर हो जाए बॉडी में तो फिर बॉडी में 4 months तक के वो स्टोर रह सकता है। नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स। वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशियंसी, दैट इज फटीग, माउथ सोर्स, ग्रे हेयर, ग्लोसाइटिस, पेरेस्थीसिया, पुअर ग्रोथ, हीमोग्लोबिन लेवल लो एज 4 grams, प्रेजेंस ऑफ फॉर्मी मीनोग्लूटामिक एसिड और FIGLU इन यूरिन। अगर दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन यूरिन और ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ हिस्टिडीन, और ये टेस्ट यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी के लिए ये टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट है कि नहीं। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस इन केस ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, एनीमिया इज सस्पेक्टेड। तो ब्लड टेस्ट किया जाता है CBC काउंट। CBC इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कंप्लीट ब्लड यानी जितने कॉर्पसल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, उनको डिफरेंशिएट करके उनका टोटल काउंट देखा जाता है और फिर उसको नॉर्मल से मैच किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट इज डन टू वैलिडेट द सस्पिशन दैट RBC काउंट इज लो। ब्लड टेस्ट टू चेक द फॉलिक एसिड लेवल्स कॉल्ड अ रेड ब्लड सेल फोलेट लेवल टेस्ट इज ऑल्सो performed। तो ये टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी प्रेजेंट है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। द प्रोविजन ऑफ वंस
डेली आयरन एंड फोलेट सप्लीमेंट्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सक्सेसफुल प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस. जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि डेफिशिएंसी ना हो. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल गाइडलाइंस रिकमेंड्स 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ फोलिक एसिड पर डे विच इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो नॉर्मल 400 माइक्रोग्राम्स फोलिक एसिड पर डे कंज्यूम करना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान जो है प्रेगनेंसी के दौरान दिस शुड बी इंक्रीज. नेक्स्ट डाइटरी इंटरवेंशन इज नीडेड बाय इंक्लूडिंग फूड्स रिच इन फोलिक एसिड इन द डाइट अलोंग विद विटामिन सी रिच फूड्स फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन. लिवर इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ फोलिक एसिड फॉर वेजिटेरियन डाइट. फूड्स लाइक लेंटिल्स ड्राइड बीन्स पीज नट्स एवोकाडो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ब्रोकली स्पिनच टर्निप ग्रीन ग्रीन्स मस्टर्ड ग्रीन्स लेडीज फिंगर ब्रसल्स ये सारे जो है वो वेजिटेबल्स हैं जो कि आयरन के सोर्सेज हैं और ये सारे फूड सोर्सेज जो है वो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं टू प्रिवेंट अनिमिया. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनिमिया इज पर्निशियस अनिमिया और विटामिन B12 डिफिशियंसी अनिमिया. एज द नेम सजेस्ट दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशियंट B12 एंड रिजल्ट्स इन प्रोड्यूस्ड RBC प्रोडक्शन इन द बोन मैरो. इट अकर्स आइदर व्हेन देयर इज लैक ऑफ विटामिन B12 इन द डाइट और जब डाइट में विटामिन B12 लो होगा या फिर द बॉडी इज अनेबल टू अब्सॉर्ब विटामिन B12. क्यों नहीं अब्सॉर्ब कर रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर और IF विच हेल्प्स इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. तो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर विटामिन B12. विटामिन B12 जो है वो डाइट से ही ऑप्टेन किया जाता है. इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द डाइट एंड इट इज अब्सॉर्ब इन द एलिमेंट्री कैनाल और विदाउट द इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इट इज इम्पॉसिबल फॉर द बॉडी to absorb any vitamin B12. Vitamin B12 is required for healthy nerve cells or it helps in the production of DNA and RNA, maintaining heart and bone health. Or vitamin B12 jo hai wo RBC ke maturation mein help karta hai. To jab iski deficiency hogi to fir us samay the person is said to be suffering from pernicious anemia. Next, we talk about the predisposing factors and causes. This type of anemia is seen in women more than in men. Usual age is 30 years after 30 years, although it is rarely hereditary. Hereditary nahi hai, but occurrence not heard, unheard of. It is called as congenital pernicious anemia. Loss of peritoneal cells over a prolonged period of time inevitably cause the vitamin by विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसी. तो इट इज विटामिन B12. दिस मे कॉज देन देर इज लॉस ऑफ पेराइटल सेल्स. पेराइटल सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर. पेराइटल सेल्स का अगर काउंट लो होगा तो उस समय भी पर्सन इज कैन सफर फ्रॉम पर्निशियस एनीमिया. सर्टेन डिजीजेज दैट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ पर्निशियस एनीमिया. और कुछ डिजीज हैं जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इंक्रीज बढ़ा कर देते हैं. दैट इज एडिसन डिजीज, क्रॉनिक थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, हाइपोपैराथायराइडिज्म, एमिनोरिया, टाइप 1 डायबिटीज, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन एंड विटिलिगो. विटिलिगो इज द डिजीनेस और चक्कर आना. नेक्स्ट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन द इंटेस्टाइन विच ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन. Next factor is parasitic infection affecting the absorption mechanism, starvation, nutritionally inadequate diet of infants, या जो person है उनकी diet inadequate है या फिर person is predominant or dependent on the vegetarian diets. तो ये सारे person जो है वो vegetarian diet पे depend करता है. Prolonged hospital stays with inadequate nutrition. बहुत ज्यादा दिनों तक एडमिट है हॉस्पिटल्स में और उसके बाद न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है. डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन GIT सिस्टम ड्यू टू क्रोहन्स डिजीज, सिलियाक डिजीज और सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक. नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स. सिम्टम्स ऑफ पर्निशियस एनीमिया, पहला है सिम्टम है ब्रीथलेसनेस और एक्सर्शन.
ब्रीथलेसनेस और ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन. पर्सन को अगर बहुत ज्यादा एक्सर्शन होने लगे तो उस समय जो है पर्सन जो है वो ब्रीथलेस फील करेगा. नेक्स्ट लेथार्जी, टायर्डनेस, स्मूथ शाइन, ब्राइट रेड एंड क्लीन अपीयरेंस ऑफ स्टिंग ऑफ टंग, पैरेस्थीसिया, अनस्टेडीनेस एंड वॉकिंग, डिप्रेशन, चेंजेस इन विजन, सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ब्लीडिंग गम्स, चेंजेस इन जीआईटी, वर्टिगो, डिमाइलेशन ऑफ वाइट फाइबर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, गैस्ट्रिक जूसेस डिवॉइड ऑफ पेप्सिन एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, पेल येलोइश अपीयरेंस ऑफ स्किन, कांस्टेंट एंड लो ग्रेड फीवर, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक कैंसर रिस्क. ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं परनिशियस एनीमिया के. नाइदर डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोसिस कैसे होती, ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें सीबीसी काउंट है, चेक वेदर द आरबीसी साइज आर इंक्रीज ड्यू टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक द साइज ऑफ आरबीसी इज इंक्रीज. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन लेवल अगर 8 से कम है, 8 ग्राम पर डेसीलीटर से, रेटिकुलोसाइट काउंट लो काउंट आर जिससे वो परनिशियस एनीमिया. और ये एक टेस्ट होता है कॉल्ड फिलिंग्स टेस्ट. It also shows subnormal absorption which gets rectified intrinsic is given. और intrinsic factor जब देंगे तो is rectified. Next, serum LDH, lactate dehydrogenase check किया जाता है and it is found to be raised in megaloblastic anemia. Vitamin B12 अगर इसका level blood में देखा जाए तो may be normal or borderline even when the total amount of B12 in the body is below 160 mg/dL. Homocysteine जो है वो anemia में high जाता है because of lack of vitamin B12 folic acid. methylmalonic acid का level भी high हो जाएगा anemia में due to lack of vitamin B12 and folic acid. और ये methylmalonic acid urine test के थ्रू check किया जाता है. Prevention and treatment. Now come to the prevention and treatment of pernicious anemia. There is no way to prevent this type of B12 deficiency anemia. As such, there is no way to prevent it. However, early detection and treatment can reduce the complications. Diet rich in vitamin B12 can be helpful. Agar jo vitamin B12 ki diet hai, wo bhi jo hai, agar di jaye to it can be helpful. And vitamin B12 can only be manufactured by the bacteria and can only be found naturally in animal products. So vitamin B12 supplements उन लोगों को दिए जा सकते हैं जो कि vegetarian diet पर हैं. तो vegetable diet पर जो है vitamin B12 के supplements दिए जा सकते हैं जो non vegetarians हैं. तो उनमें जो vitamin B12 का source है वो है meat, fish, poultry, eggs, dairy products. This can, these are the natural vitamin B12 is natural present in these animal products. Ab jab diagnose ho jaye to treatment ke liye jo options available hain wo hain corrective measures to bring the hemoglobin level to a safe limit. Agar hemoglobin level 4 grams per deciliter se kam hai to blood transfusion is needed and subject should be advised rest till the hemoglobin level comes to 8 grams per deciliter. Next, vitamin B12 should be administered by a IM, that is intramuscular injection ke through vitamin B12 diya ja sakta hai 100 micrograms twice a week for one week, 250 micrograms weekly till the blood count is normal, 100 micrograms every 6 weeks, and ferrosulfate 200 mg twice daily. Ab baat karte hain dietary modifications. So principle of diet kya hai iska, no soft and clear diet, high calorie diet, high protein, moderate fat, low fiber, bland or mildly spiced diet is advised. Since anemia jo hai usme varied symptoms hote hain, it is advisable to adjust the food intake based upon alleviating symptoms and provide comfort to the patients. Usme gastrointestinal disturbances hote hain, poor appetite hota hai. तो इसलिए जो फूड्स इनकरेजमेंट ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट, इनकरेजमेंट ऑफ फूड इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्लानिंग अ डाइट. प्रोटीन्स कितने दिए जाने चाहिए, अ हाई प्रोटीन डाइट टू एड टिश्यू रिजनरेशन इज गिवन. तो अराउंड 100 टू 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो नॉर्मली रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को. नेक्स्ट, एनर्जी, हाई कैलोरी डाइट इज रिकमेंडेड फॉर प्रोटीन स्पेयर इन एक्शन.
and providing instant energy to the patient. High protein and high calorie beverages can be given 2 to 3 times daily to provide nutrition to the subjects, and they can be reconstituted from milk, non-fat dry milk, protein concentrates, whey powder, fruits, powdered nuts, honey, jaggery, sugar. इनके थ्रू एनर्जी कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट फैट एक्लोरोहाइडिया. एक्लोरोहाइडिया कंडीशन है जिसमें एचसीएल का प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है. एक्लोरोहाइडिया इज फॉर्मिंग कंप्लीट विच रिटार्ड्स द अब्सॉर्प्शन एंड डाइजेशन. सो एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फैट. एक्लोरोहाइडिया मतलब एचसीएल का सिक्रीशन जो है वो बिल्कुल लो हो गया है. इन दिस केस अमाउंट ऑफ फैट जो है वो फैट इनटेक जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए. नहीं है हैवी फैट शुड बी अवॉइडेड इन द डाइट और फ्राइड फूड, सैचुरेटेड फैट्स, हाई फैट स्नैक्स ये सब अवॉइड करने चाहिए. एंड इट इज मैंडेटेड टू इंक्लूड विटामिन सी रिच फूड्स इन द डाइट टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ बी विटामिन्स. सिट्रस फूड्स, गुआवा, आंवला और देयर जूसेस दे कैन बी गिवन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज डाइट एंड न्यूट्रिशनल एनीमिया. A balanced and nutritious diet helpful होती है nutritional anemia को combat करने में. Like red meat, egg yolks, liver ये कुछ richest sources हैं iron के, ये सब include करना चाहिए. Next spinach, vegetarians अगर हैं तो उसके लिए spinach and dark green vegetable is better option. And dried beans, parsley जो एक herb है and it is also a richest source of iron among the plants. Next nuts, seeds, dried foods like apricots, peaches, raisins and prunes, fortified cereals, fortified soy products, brewer's yeast. Vitamin C can enhance iron absorption in the body, so a diet rich in vitamin C like fruits and vegetables, guava, amla, lime, oranges, tomatoes, cabbage, ये सब जो है डाइट में proper maintain रखना चाहिए, proper intake इनका बढ़ाना चाहिए. उसके अलावा exercises भी जरूरी है. Exercises in moderation can improve the blood circulation. इसके अलावा medications हैं for treatment of anemia के लिए prescription दिया जाता है. Prescription available है. Common prescription medication है वो है folic acid supplements, vitamin B12 injections और iron supplements. तो diet के अलावा medications भी provide की जाती हैं patient को so that the consumption so that the iron stores, vitamin B12 stores, folic acid stores can be replenished in the body. So this was all about today's topic, that is anemia. And